आज दोपहर में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, जिस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि कल की मूवी टोटली डिपेंड करती है ये इलेक्शन के रिजल्ट पे, कि कौन पावर में रहता है और कौन पावर में नहीं रहता है। सो ये चीज़ों पे ना लोग बहुत भाई कमेंट करने लगे कि यार इलेक्शन से इस फिल्म का क्या लेना देना है, यार इलेक्शन का अलग सीन है, ये फिल्म का अलग सीन है। और उस वीडियो में मैंने बेशक समझाया हूँ कि एक्चुअल में रीज़न क्या है, फिर भी बहुत ऐसे मंदबुद्धि लोग हैं जो लोगों को समझ में आता कुछ नहीं है, बस आके उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे चले जाएंगे। इलेक्शन का नतीजा आ चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, कौन भाई आंध्र प्रदेश में बहुमत में है और कौन बहुमत में नहीं है। सो उसके बाद ही भाई मेकर्स ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट करा है कि कल के दिन पे मीन्स 10 बजे सुबह सुबह वो लोग अनाउंस करने वाले अपना ट्रेलर का। और भाई मेकर्स खुद भाई चंद्रबाबू नायडू से मिले भी हैं, कल की मूवी को प्रोड्यूसर और प्रभास बाबा के मैनेजर जाके मिले हैं चंद्रबाबू नायडू से, जो मेकर्स डिमांड कर रहे थे ना गवर्नमेंट से कि प्राइस के हाइक्स को लेके, अर्ली सोर्स को लेके, सारी चीज़ें भाई सही हुआ है। मतलब ये मीटिंग जो हुआ है चंद्रबाबू नायडू के साथ वो बहुत ही बेटर डिसीजन के साथ निकला है, उसका रिजल्ट जो चीज़ें तुम्हें ना फिल्म के रिलीजिंग के टाइम पे भी देखने को मिलेगा, अच्छी चीज़ है यार। क्योंकि बड़ी फिल्में जब भी आती है तो सब कोई उसके बिजनेस पे ही नज़र टिका के बैठते हैं कि एक्चुअली में वो फिल्म का बिजनेस क्या होता है। अगर कल की जैसा फिल्म अच्छा रिलीज होगी तभी अच्छा बिजनेस करेगी, तभी इसके अगले जो भी पार्ट्स आने वाले हैं इसके यूनिवर्स के, वो सारी चीज़ें भी हम सबको जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा। और उन सब सारी फिल्मों पे मेकर्स भी भाई दिल खोल के पैसे खर्च करेंगे। तो इसके अलावा बताओ यार कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो यार इस फिल्म के ट्रेलर को लेके, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।